हमारा नाम है इंडियन बियर ग्रिल्स। यस चलिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके जा रहे हैं भोपाल शहर के बहुत ही नज़दीक एक डैम है, एक जंगल की साइट है, केरवा डैम। वहाँ हम आपको लेके जा रहे हैं जहाँ हम ना केवल डैम के नज़ारे देखेंगे, वहाँ पे हम जाएंगे वहाँ स्टे करने के लिए। तो खैर हमारा बुकिंग अभी नहीं है, बट हम वहाँ जाएंगे, वहाँ का ब्रेकफास्ट कैसा उसको चखेंगे, देखेंगे कॉटेजेस कैसे हैं वो देखेंगे, आपको दिखाएंगे। देन इसके अलावा वहाँ पास में ही एक इकोलॉजिकल प्लेस, इकोलॉजिकल पार्क है, वहाँ हम जाएंगे, केरवा पिकनिक स्पॉट वो सारा। और चलिए आपको नज़ारे दिखाते हैं, आप अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए और हमारे साथ बने रहिए अंत तक। हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ पर वो जो दिख रहे हैं रिसोर्ट बना हुआ, रूम्स दिख रहे हैं तो, और अब हम आ गए यहाँ पर, राइट। और नीचे नदी है, वहाँ जाएंगे अभी। यहाँ आइए 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 और यहाँ पे चढ़ के जाइए, आइए वहाँ में पहाड़ पे जो मंदिर है वहाँ चल रहे हैं हम, आइए और आप एडवेंचर का असली मज़ा लीजिए, आइए। अगर आप एडवेंचर को जीना चाहते हैं तो हमारे साथ आइए। कैसा लगता है आपको यहाँ पे घूमने में, मज़ा आ रहा है? तो एडवेंचर कैसा लग रहा है आपको? हमारा नाम है इंडियन बियर ग्रिल्स। यस चलिए। ये है केरवा में जो पुरानी गुफाएं हैं, वहाँ पर ये मंदिर बने हैं। तो ये देखिए पहाड़ों के अंदर, ये मैं काफ़ी सालों बाद आया हूँ यहाँ, करीब मेरे ख्याल से 20 साल बाद आ रहा हूँ इस जगह पे। तब ये पूरी गुफा दिखती थी, अब ये एक रूम दिख रहा है, यहाँ पे रूम बना दिया है, बट यहाँ पहले गुफा थी जो ग्रिल सी दिख रही रेड कलर की। ये गुफा में अंदर जाने का रास्ता था यहाँ से, वहाँ पर मंदिर है और ये वही कंदराएँ दिख रही हैं देखिए। और इसी तरह से एक मंदिर वहाँ ऊपर बनाया गया, वहाँ पर दिख रहा है जो। और यहाँ पे हमेशा कभी भी आइए, 12 महीने यहाँ ऐसी ही ठंडक मिलती जैसी ठंडक अभी है। देवित कैसा लग रहा है यहाँ पे, गर्मी है ठंडक है? ठंडक है ना। हाँ चलो ऊपर जाके देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं, अभी वेट करो। तो कोई दरबार टाइप का? नहीं बेटा मंदिर है। अच्छा झंडे नहीं दिख रहे हैं आपको? देखिए हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे। सच में? हाँ दिख गए। हाँ और यहाँ पे लंगूर हैं ऊपर पेड़ों पे, डर क्यों रहे हैं, कुछ नहीं करते। अरे हिलाई मत, इंडियन बबून है, इंडियन बबून बोलते हैं जिसे, वो देखिए। देखिए फ्रेंड्स एक गुफा ये है जिसमें हम नहीं जा रहे हैं। हाँ हम नहीं जा रहे हैं, बट ये एक गुफा है और इसमें भी लोग, मतलब जो यहाँ पे पुजारी जी हैं, बाबा जी हैं, वो भी पहले रहते थे, फिर बाद में वहाँ पे रूम बना दिया, देन वहाँ रहने लग गए हैं। अब इस गुफा में वो नहीं रहते, बट ये पूरा गुफा है अंदर। और इसी तरह से वहाँ पर जो पेड़ दिख रहा है राइट, तो वहाँ पर भी वो ये पेड़ है, इसके पीछे जो हनुमान जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, वो भी इसी तरह की गुफा में बना है एकदम। ये नेचुरल गुफा है, ये देखिए केरवा डैम पे अगर आप आते हैं तो राइट, आप नीचे भी उतर के आ सकते हैं और देख सकते हैं ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ देखिए पूरे टाइम क्योंकि नमी रहती है, इन पहाड़ों में से पानी रिसता रहता है, तो जिनको हम नमी वाली जगह पे जिस तरह का पेड़ पौधे होते हैं वो यहाँ पे हमें देखेंगे। देखिए बहुत गौर से देखिए, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको फर्न दिखेंगे, ये देखिए, क्योंकि इन पहाड़ों से पत्थरों से पानी रिसता रहता है, तो वो देखिए वो फर्न है और ये पूरा नीचे तक इसी तरह से पानी रिसता रहता है। आप देखिए नीचे तक पूरा फर्न फैला हुआ है यहाँ पे, फर्न जो कि हमेशा नमी वाली आर्द्रता वाली जगह पे, वो तो कॉमन है बेटा, लेकिन फर्न ना वो कॉमन नहीं है, लेकिन जहाँ पे नमी होती है पहाड़ों से पानी रिसता रहता है, ठंडक होती है, वहाँ पर हो जाता है, क्योंकि इस तरह के आया तो जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे होता है, ठंडे इलाकों में होता है, बट वो मध्य प्रदेश के इस गर्म इलाकों में भी, क्योंकि उतनी ठंडक रहती तो यहाँ है, या फिर पचमढ़ी जैसे इलाकों में भी है इस तरह से। वेट चलिए, अब हम यहाँ से ऊपर वाले मंदिर पे वहाँ चलेंगे, आइए इस पगडंडी को फॉलो करेंगे, आइए। काम देवेत, नो नो नो, ये सनफ्लावर नहीं है, ये सब जंगली फूल हैं बेटा, ऊपर आओ इधर, इस वाली पगडंडी को फॉलो करके हम ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर भी गुफा है, नीचे है राइट, तो
तो देखिए यहाँ लिखा भी है कि जो प्राचीन वाला जो मंदिर है वो नीचे है और अब उसी के ऊपर ये बना दिया क्योंकि ताकि लोग आसानी से जा सके। तो यहाँ तो ये कम दिख रही गुफा, वो काफ़ी अंदर डेप्थ तक गहराई तक वो गुफा है, देखिए इस तरह से, तो काफ़ी गहराई तक वो गुफा है। और हालांकि उस गुफा में यहाँ से जाने का एक रास्ता भी बनाया हुआ है, ये देखिए गुफा यहाँ पर नीचे है, यहाँ से नीचे वो गुफा है, देखिए यहाँ यज्ञ वगैरह होते हैं और महाराज जी जो हैं वो यहीं पर रहते हैं, ये देखिए बैठे हैं बाहर। तो आज से जब मैं 20 साल पहले जब यहाँ आया था तब भी उनसे मुलाकात हुई थी, आज दिवित ने भी उनसे आशीर्वाद लिया। और ये देखिए सीताराम जी, तो आप अपना वीकेंड के लिए आप यहाँ आ सकते हैं कभी भी, और स्टे करना चाहें तो राइट एमपी टूरिज्म का यहाँ पर रिसोर्ट है, आप वहाँ पर रुक सकते हैं और यहाँ प्रकृति के नज़ारे आप देख सकते हैं, सामने डैम है, मंदिर में आ सकते हैं आप यहाँ। और नीचे मैंने जो दिखाई जो कंदरा है जहाँ पहले बाबा जी रुका करते थे वो भी दिखाई आपको, राइट यहाँ से वो रास्ता है नीचे जाने का जो प्राचीन मंदिर है पुराना वाला, उसके लिए यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। और ये देखिए डैम, और वो आपको वहाँ जो दूर दिख रहे हैं आपको वो इमारत जो दिख रही है ये वो रिसोर्ट की इमारत है, जाना आप देखे जाओ, आप आ जाओ, हाँ जाओ 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 जी 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 चलो, हाँ चलिए चलिए, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इसीलिए नहीं अभी नहीं मिलेगा, चलो वो इसलिए तो बंद कर देते हैं, लंगूर आते हैं बंदर आते ना, और आए भी तो डरना मत, एक ही जगह खड़े रहना आप। ये देखिए ये वो जी जी आओ दिवित इधर, ये वो प्राचीन मंदिर है, काफी चीजें बदल गई हैं पिछले 20 सालों में, जब मैं पहले आया था तब और अब। ये देखिए जय महादेव जय महादेव, ठीक है देखा आपने, मैं 20 साल पहले आया था और आज आपको लेकर के यहाँ इतने सालों बाद आया, आई का हाँ चलिए आओ बेटा, देवी मेरे से पूछा है कि कितने पुराने हैं ये सिंह जो बने हैं दोनों द्वारों पे रखे थे जो, ये देखिए सेंचुरी से तो ज्यादा हो गया, प्रसाद तो खा लीजिए पहले। तो दिवित को मैंने अंदर का मंदिर भी दिखा दिया जो प्राचीन मंदिर है, और उसके ऊपर हमने ऊपर का भी पहले ही दिखा दिया, आइए कम दिवित प्रसाद खाते रहिए। और चलिए जी राइट, तो दर्शन हो गए और 20 साल पहले मैं मिला था महाराज जी से, उनसे मुलाकात हुई, दिवित ने भी आशीर्वाद लिया उनसे और पुरानी यादें ताज़ा की, बहुत अच्छा लगा। कुछ कह रहे थे आप दिवित? हाँ आप अंदर क्यों आ गए, पर इधर अंदर आना तो मना, कहाँ लिखा मुझे पढ़ना नहीं आता बेटा, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, नहीं मुझे नहीं पढ़ने में आ रहा है बेटा, मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ। दिवित कहता है कि पापा यहाँ तो लिखा है कि इस गेट से जो ये गेट है इससे अंदर जाना वहाँ मना है क्योंकि ये नहर का गेट यहाँ से खुलता है, तो देखिए वहाँ लिखा है अंदर आना मना है, तो मैंने कहा कुछ देर के लिए मैं अनपढ़ बन गया था बस इसलिए आ गया था, मैंने उस तब देख नहीं पाया था।
बट वो सेफ है एक्चुअली, छोटे बच्चे या कभी कोई आ जाए तो इसलिए उनको बोला जाता है कि ना जाएं। और ये देखिए ये यहाँ से स्विमिंग पूल नहीं है, इस नहर का वहाँ पानी जाता है, देन फिर वो आगे रिवर में जा रहा है, कैनाल्स में जा रहा है, राइट। चलिए आइए 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 हम चलें और वहाँ रिसोर्ट्स पर चलें। हाँ हम यहाँ से गए थे ना, हम लोग यहाँ से नीचे उतर के गए, देन फिर हम वहाँ नीचे गए और उसके बाद फिर इस पगडंडी को पकड़ के हम वहाँ गुफा वाले मंदिर में वहाँ गए हम लोग, राइट। देन उसके बाद फिर हम वहाँ मंदिर में गए थे जहाँ मैंने नीचे का मंदिर भी आपको दिखाया, ओके देवित। हाँ। तो देवित ने कहा पूरा दिखा दें हम कहाँ कहाँ गए थे। चलिए वापस हम अपने रिसोर्ट में चलते हैं। हमने लिया यहाँ पे दिवित के लिए गुआवा ताजा ताजा। दिवित कैसा लग रहा है गुआवा यहाँ तो देख के बताओ? इसने कहा था कि रेड वाला मिलना चाहिए, तो राइट अब हम फिर रिसोर्ट में जा रहे हैं वहाँ ऊपर। आज आए हैं केरवा डैम, देखिए सामने डैम है और बहुत ही सुंदर जगह है। तो रेस्टोरेंट में अभी मॉर्निंग में हम लोग सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं, यहाँ कॉटेजेस बने हैं जहाँ स्टे कर सकते हैं। तो दिवित कैसा लगा आपको ये जगह? बहुत अच्छा। तो रियली आप लोग भी कभी आना चाहें तो आइए, काफ़ी अच्छी जगह है, बिल्कुल डैम सामने दिखता है, मॉर्निंग जितनी सुंदर है ऐसे ही यहाँ का सनसेट भी बहुत सुंदर है। दोस्तों अभी हमने केरवा डैम देखा और वहाँ केरवा में जो पिकनिक स्पॉट है, जो रिजोर्ट है वो घूमे, देन इसके बाद हम निकल पड़े केरवा नदी के किनारे। यहाँ से लगभग 500 मीटर दूरी, आधा किलोमीटर की दूरी पर है जंगल कैंप, तो हम जंगल कैंप की तरफ जा रहे हैं। चलिए अब आप हमारे साथ बने रहिए और जंगल कैंप के भी नज़ारों का आनंद लीजिए। फ्रेंड्स इस वक्त हम केरवा जंगल कैंप में, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग हैं यहाँ पे भी। आज छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है, तो लोग छुट्टी मनानिया है, तो पूरा मुझे लगता है ग्रुप आया हुआ है यहाँ पे, वो भी छुट्टी मना रहा है। उनका तो पूरा खाने पीने का सारा सामान, राइट, उनके कुक वगैरह भी हैं सारे, वो इंतजाम चल रहा है। और यहाँ देवित झूला झूल रहे हैं और यहाँ पर मतलब बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि आपको नेचर के पास अगर जाना है, नेचर को देखना समझना है, तो बिल्कुल आप यहाँ आइए और पूरा दिन बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। यहाँ आपका बहुत अच्छी जगह है ये, आप यहाँ बहुत एंजॉय करेंगे, अपनी फैमिली को लेके आइए, बच्चों को लेके आइए, बहुत ही कमाल की जगह, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच ये जगह है। चलिए जरा इनके पास जाएं, यहाँ पे इनकी बातें सुने, क्विक सेंट कहाँ मिलेगी इनको। हाँ जी बैठ सकते हैं। ओके बैठ जाओ, मैं भी आऊँ, चलो दोनों बैठ के झूलेंगे। तो हम दोनों इस वक्त झूला झूल रहे हैं, जिसे देवित कहते हैं फैमिली स्विंग। क्या कर रही है ये? देखिए देखो फ्रेंड, इधर पूरी क्विक सेंट है, अपन लोग उनसे बच गए। ओके ये राइट। तो ये देखिए अंदर का नज़ारा, यहाँ पे भी एक पूरा फैमिली, मतलब पूरा ग्रुप आया है, वो भी पिकनिक के लिए आया है यहाँ पे। तो एक ग्रुप वहाँ रुका है पिकनिक के लिए और एक ग्रुप इस तरफ वाले लॉन में है। ये हट्स बनी हुई है यहाँ पे, सिटिंग अरेंजमेंट है। कैसा लगा बैम्बू की बेंच पे बैठना? आप भी बैठ रहे हो? नहीं टूटेगी बेटा, बैम्बू है वो। और देखो सामने पूरा बैम्बू का फॉरेस्ट है दिवित। हाँ हाँ आप कुछ बता देख सकते हैं, ये बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। राइट, पर यहाँ ना मतलब बहुत सस्ता, ये पूरा का पूरा अगर आपको हॉल लेना इतना बड़ा किसी पार्टी के लिए, ओनली 3,000 रुपीज़ पर डे है। और ये लॉन लेते हैं तो ओनली 1,000 रुपीज़ है, अगर किचन लेते हैं तो ओनली 500 रुपीज़ है। तो मतलब बहुत ही यहाँ आना, मतलब अगर आप फैमिली के साथ या पूरे ग्रुप के साथ पिकनिक पे आते हैं तो बहुत सस्ता है। नाइट स्टे करना चाहें तो राइट, उसके लिए थोड़ा सा बस परमिशन लेनी पड़ेगी, आप बाहर ना निकले रात में बिल्कुल भी, क्योंकि पूरा एरिया टाइगर के मूवमेंट वाला एरिया है। तो दिन दिन में यहाँ रहें, बाकी यहाँ से चले जाएँ रात में। हाँ बाकी ऐसा नहीं कि यहाँ गार्ड वगैरह नहीं रहते, चौकीदार रहते हैं, रात में मूवमेंट कोई नहीं करता। देवित काम आगे हम जा रहे हैं, आगे वहाँ झरना भी है और ये देखिए बैम्बू फॉरेस्ट के बीच में। चलिए दिखा के लाते हैं आपको, कम बिट्टू। देखिए नदी के किनारे किनारे ये ट्रैक बना है, तो हम भी वहीं जा रहे हैं।
नदी के किनारे किनारे, और दिवित का तो बड़ा मन कर रहा है कि जाऊँ मैं नहाऊँ। तो आज हम नहाने की तैयारी करके नहीं आए थे, नहीं तो ये तो बिल्कुल तैयार रहते हैं। गोगल्स लिया था तो 4 फुट में कूद जाता। अरे नहीं बेटा, यहाँ पे ना वैसा है बेटा, पथरीली वाली नदी है ना। अच्छा। देखो सामने दिख रही नदी, दिखी ये वही है केरवा से ज्वारी, केरवा नदी है ये। ये देखिए और कितना अच्छा लगता है पानी की आवाज। आओ चलें, आओ दिवित नीचे तक चलें, पानी आओ कम आ जाओ। ये देखिए यहाँ तो पानी की आवाज आ रही है, बिल्कुल नेचुरल वाटर। जो नहीं नहीं मत उठाइए, पढ़ा नहीं दीजिए, बैंबू को मत उठाइए। रख दो बेटा, रख दो। बीच में यहाँ तो मैं एक तीसरा पिकनिक स्पॉट और भी देख रहा हूँ, जहाँ पर कि लोग आ करके इसको बुक कर सकते हैं और यहाँ पे पिकनिक मनाने आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक ग्रुप यहाँ पे भी पिकनिक मनाने के लिए आया है। ये देखिए तो यहाँ पर भी लोग पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, तो काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पर आप आ सकते हैं पिकनिक मनाने के लिए। देखिए और ये ट्री हाउस बना है यहाँ पे, ये भी देखो ट्री हाउस। यस बिल्कुल, अगर खुला है तो जाके देख सकते हैं। खुला है। रास्ता बंद है बेटा। रास्ता बंद है दिवित। हाँ ये ट्री हाउस बनाया यहाँ पे, पहले ये था तो राइट ये टूट गया, फिर एक ये बनाया हुआ है ट्री हाउस। कम आगे चलो फ्रेंड्स। तो ये देखिए एक पिकनिक स्पॉट ये भी है, बट यहाँ कुछ लोगों ने आग चलाई, जो कि बहुत ही गलत किया जंगल के बीच में। मैं अभी उनको मना करके आया हूँ कि प्लीज़ इस आग को बुझाइए, आप भले कैंपिंग कीजिए कुछ भी कीजिए लेकिन आग मत जलाइए, यहाँ पे जंगल को नुकसान होता आग से। राइट फ्रेंड्स, तो मैंने मना करके आया हूँ, तो वो बड़े उनके कुछ हैं तो वो लोग गए हैं, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो नदी जो जा रही है राइट, उसके साथ साथ यहाँ से साथ साथ नदी जा रही है, और इस पूरे एरिया को सुरक्षित रखने के लिए देखिए यहाँ पे ये जो जालियाँ लगाई गई हैं, ताकि जो टाइगर का डर है वो ना रहे, कि जो लोग अपनी पिकनिक मनाने आए हैं वो बेफिक्र होकर पिकनिक मना सकें। तो इस पूरे जो पिकनिक स्पॉट है ये, इसको चारों तरफ से जालियों से घेर रखा है, तो अगर आप आते हैं तो यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है कि अचानक से टाइगर आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप आ सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। और जगह जगह पर यहाँ गेट बने हुए हैं, तो जो फॉरेस्ट के जो गार्ड्स हैं राइट, तो वो निकल के फिर बाहर जाते हैं और वो देखते हैं कि टाइगर का मूवमेंट कहाँ है, तो यहाँ से पता चल जाता है। इनके वॉच टावर्स भी यहाँ चारों तरफ हैं। राइट फ्रेंड्स, तो ये देखिए कितना बढ़िया मनोरम दृश्य है यहाँ का, ये केरवा नदी है फ्रेंड्स। ये है यहाँ पे झरना है केरवा का, जो केरवा रिवर पर बनता है यहाँ पे, और ये पूरा एरिया। और अब इसको क्योंकि जाली से कवर्ड कर दिया, तो ये पूरी तरह से अब सेफ है। ये देखिए पूरी जाली रही, चारों तरफ से ऐसे पूरा इसको कवर कर रही है। राइट फ्रेंड्स, तो सेम इसी तरह से उस तरफ भी पूरा जाली इसी तरह से लगी हुई है। ये है वो झरना, ये केरवा रिवर। चलिए अब हम वापस पार्किंग की तरफ चलते हैं। चलिए देवे चलें आगे भी रास्ता। आइए आगे है रास्ता। नहीं यहाँ से ये साथ साथ है, बस इतने प्लेटफॉर्म बनाइए, यही है बस यहाँ पे। ठीक है कम आओ, ये देखो, ये देखो दीमक का घर तुम्हें दिखाया, हो जाओ कम। ये देखो ये है ना, क्या ये टर्माइट का क्या बोलते हैं इसको बताओ, क्या एंटर बोले या कुछ और बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? टर्माइट हेले। चलिए ये टर्माइट हेले। ट्रेस ये देखिए, ये है टी ट्री का लीफ,
और नेचुरल तरीके से डिकम्पोज हो रहा है। तो देखिए इसमें जाली कितनी अच्छी बन रही है। देखिए इसकी अगर हम बोलें तो पत्ती पे जो वेंस होती हैं, उसकी नसें होती हैं, वो दिख रही हैं। देवे देखो बेटा, पकड़ो इसको, रखना चाहो तो आप रख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे आप इस तरह का। चलिए आइए। तो दोस्तों केरवा हमने पूरा घूम लिया, हमने केरवा डैम देखा जो, और हमने केरवा का जो पिकनिक स्पॉट है, जो इकोलॉजिकल पार्क है वो देखा, दैन वहाँ पे जो झरना है केरवा का वो देखा, दैन इसके बाद अब हमने पार्किंग से अपनी गाड़ी ली और हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं। तो आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा रहा। और दिवित आपके क्या विचार है बेटा, आप क्या बताएंगे केरवा कैसा लगा? तो केरवा डैम बहुत अच्छा था और आप अपने विचार प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और घंटी बजाना ना भूलिए। ये ना इनका फेवरेट हो गया कि घंटी बजाना ना भूलिए। राइट फ्रेंड्स, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता और अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। हम लगातार आपको अपने विचार व्यक्त करते रहेंगे और जहां हम जाएंगे वो आपको दिखाते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।